अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 2022 में सबसे बड़ा रिप्रेश हुआ था पंगा इस बैग में, और अब आ गया 2023। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2023 में भी सबसे बड़ा रिप्रेश पंगा इस बैग में होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हबीब आईडी रिप्रेश की। हबीब आईडी रिप्रेश कब है, नया कोड क्या है, आपने ऐड कैसे होने, फुल डिटेल इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करना। और जो हमारे कटर सपोर्टर हो तो आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कुछ नए धमाकेदार बेनिफिट इसी वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए रखे हुए। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार रिफ्रेश डेट अलग है और कोड अलग है, यानी कि रिफ्रेश डेट ही हम कोड रखते, पर इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली में कोई अनसपोर्टर ऐड ना हो, हमारे कटर सपोर्टर ऐड हो। आप लोगों को पता होगा कि मेन आईडी पे रिफ्रेश आ रहे, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ सपोर्टर मेरे टाइमलाइन पे ऐड हो। जो लोग सपोर्ट करते हैं, रूल्स फॉलो करते, वही बंदे हमारे टाइमलाइन पे ऐड हो। तो वीडियो को बिल्कुल गौर से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपका कोड नहीं होगा सही तो आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलने वाली है हबीब आईडी पे, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ आप लोगों का बायो देखते और कॉपी करके अपने बायो पे लगा देते। तो इस बार ये काम नहीं होने वाला है, कोड बायो पे बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कोड बायो पे नहीं होगा तो कहाँ पे होगा, तो वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ रिफ्रेश डेट कि किस तारीख को रिफ्रेश है। तो चलो आप कमेंट्स कर दो, मेरा रिफ्रेश डेट बताने से पहले आप खुद कमेंट्स करो कि किस दिन रिफ्रेश होने वाले। आपको ये तो पता होगा कि इतवार को रिफ्रेश होते, 7 बजे रिफ्रेश होते, पर बताने से पहले, मेरे बताने से पहले आप अपने जहन में कुछ नंबर सोचो कि किस तारीख को रिफ्रेश आपके आइडिया से होने वाले। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा रिफ्रेश होने वाले 19 तारीख को इतवार वाले दिन शाम 7 बजे हम हबीब आईडी का रिफ्रेश करने वाले, ठीक है। आपको ऐड करने वाला हूँ टाइमलाइन लाइक से, उससे पहले कोड लगा लेना। कोड की बात मैं इस बार 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 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी अनसपोर्टर हमारी फैमिली में ऐड हो। आपका ऐड होने से पहले आपका कोड बिल्कुल भी चेक नहीं किया जाएगा, पर मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐड हो जाते हो तो 2 मिनट के अंदर, टोटल 2 मिनट के अंदर अंदर कोड चेकिंग वाला अलादा मेरी आईडी ऑन करके बैठा होगा, ठीक है। अगर आपका कोड सही नहीं होगा तो आपको उसी टाइम अनफ्रेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार इसलिए ये काम हम कर रहे कि हम चाहते हैं कि सपोर्टर जल्दी से ऐड हो जाए। तो मैं कोड शोड चेक नहीं करने वाला हूँ और कोड बायो पे होगा भी नहीं। तो आपने कोशिश करने के सही तरीके से, अगर आप ऐड होना चाहते हो तो 5 रूल्स वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, सबसे पहले वो देख लेना और इसी वीडियो से कोड लगा लेना। अगर आपने कोड लगा लिया उसके बाद आपने वो वीडियो देखनी है जो 5 रूल्स वाली है, ताकि आप एक बार इसमें ऐड हो जाओ, अगले 3 महीने तक आप ऐड रहो, कभी भी मैं आपको अनफ्रेंड ना करूँ। तो गाइस, मैं आपको ऐड करने वाला हूँ, आपका कोड नहीं चेक करने वाला हूँ, पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप तभी इस आईडी में ऐड होगे कि आपके कुछ मैचुअल बने होंगे। अगर आपके मैचुअल नहीं होंगे तो आपको रिक्वेस्ट नहीं आने वाले। आप देख सकते हो कि जिन लोगों के मैचुअल बिल्कुल नहीं है उनको रिक्वेस्ट इधर से नहीं जाता, जिन लोगों ने कुछ मैचुअल बनाए होंगे उनको रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो इसके पास सिर्फ साजिद आईडी ऐड है, एक आईडी भी ऐड है तब भी आपको इधर से रिक्वेस्ट का चांस है, पर आपने मैचुअल बना लेने। ये नहीं कि आपका एक मैचुअल है, 2 मैचुअल है और आप कहते हो कि आपको मैं ऐड कर दूंगा, तो बिल्कुल आपको मैं ऐड नहीं करने वाला हूँ। आपने मैचुअल कैसे बनाने, जिन लोगों का रिफ्रेश हो रहे, जिन लोगों का रिफ्रेश हो रहे आप लोग देख रहे होंगे हयात आईडी पे, उन लोगों की डीपीआर रुकी हुई है, ठीक है। कुछ की रुकी हुई है, जिन लोगों ने डीपी डाल दी, इनमें से कुछ का रिफ्रेश हो चुके हैं, अभी कुछ का नहीं हुआ है, जिन लोगों को के लाइक आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे तो इन लोगों का अभी तक रिफ्रेश हो चुके हैं, जिनके कम लायक हैं इनका भी नहीं हुआ रिफ्रेश। तो आपने कोशिश करने, जितने भी बंदों का रिफ्रेश होते हैं उनको कम से कम ऐड करके रखना। अगर आप उनको ऐड नहीं करोगे तो आपका मैचुअल बिल्कुल नहीं बनने वाले, ये लोग सबसे पहले इस आईडी में ऐड हो जाएगी।
जो 20 टाइम वाले बेस्ट सपोर्ट रहे, जिनका अभी रिफ्रेश चल रहे, जिन लोगों के हम रिफ्रेश कर रहे, तो उनको मैं सबसे पहले ऐड करूँगा। इधर टाइमलाइन ओपन होने से पहले पहले मेरा प्रण लिस्ट पब्लिक रहेगा और ये लोग ऐड हो जाएंगे। पर ये लोग आपको फिर ऐड नहीं करने वाले। अगर आप पुराने सपोर्टर हो तो आप कोशिश करो जिसका भी रिफ्रेश हो, साजिद आईडी पे मैं उसका स्टोरी लगाता हूँ, तो आप उसको ऐड करो। अगर दिन में हम 10 बंदों का रिफ्रेश करते तो 10 में से 3-4 बंदे ज़रूर ऐड करो। और रिफ्रेश मैं खुद करता हूँ। अगर आप आके टाइमलाइन पे अगर 10-15 मिनट सपोर्ट करते हो तो आपको ज़रूर बेस्ट सपोर्टर की आईडी से रिक्वेस्ट मिल जाते, तो वही बंदे आपको ऐड भी कराएंगे, ठीक है, हेल्प करेंगे। अगर आप ऐड नहीं हो पाते हो, आप सपोर्टर हो, उनको आपको आपका सपोर्ट नज़र आता है, ठीक है, तो वो ज़रूर आपका हेल्प करेगी और आपको टैग भी देंगे, ठीक है। तो गाइस इंशाल्लाह 19 तारीख को शाम 7 बजे हम एडिंग करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप अपने बायो पे लगाना चाहते हो तो अपने बायो पे भी लगा सकते हो, क्योंकि जो अन सपोर्टर आएंगे आपके बायो पे देखेंगे वो इसी को कोड समझेंगे, तो उनको हम ऐड हो भी जाएंगे तो उनको हम वापस अनफ्रेंड करने वाले, ठीक है। अगर आप सपोर्टर हो, कटर सपोर्टर हो, तो अभी रिफ्रेश हो रहे हैं, उनमें से कम 50 मैचुअल आप बना लेना। डेली 10 रिफ्रेश हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से कोशिश करो, अगर 10 रिफ्रेश हो रहे तो 10 में से 2 बंदों को भी अगर आप ऐड करोगे तो आपके 50 मैचुअल आराम से बनने वाले हैं। अगर आपने पहले दिन ऐड होने, पहले घंटे में ऐड होने, तो 50 मैचुअल आपको कम से कम चाहिए होगी। अगर आपके जितने भी मैचुअल ज़्यादा होंगे उतना जल्दी आपको चांस मिलेगा ऐड होने। उसके बाद वो लोग जो सपोर्ट नहीं कर पाते, बिल्कुल जो सपोर्ट नहीं करते, जो पेमेंट से ऐड होना चाहते, तो भाई आप लोगों के लिए आईडी के ऊपर मैंने नंबर दिया हुआ है, ठीक है, याद रखना। इस पे सिर्फ और सिर्फ वही बंदे मैसेज करना जो पेमेंट से ऐड होना चाहते। अगर आप सपोर्टर हो तो आप इस पे बिल्कुल भी मैसेज मत करना। आपको पता है आपको मैं हर सीज़न में लाइक से ऐड करता हूँ, हर आईडी में आप ऐड हो जाते हो, तो इस नंबर पे आपने फालतू मैसेज बिल्कुल भी नहीं करना है। इस पे वही बंदे मैसेज करें जो सपोर्ट नहीं कर पाते। अगर आप इस पे मैसेज करोगे तो आपको फिर मैं ऐड नहीं करने वाला हूँ। अगर आप सपोर्टर हो फालतू में उधर मैसेज करोगे, ठीक है, तो आप इधर से बिल्कुल ऐड नहीं होने वाले हो। आपने ऐड होने अपने लाइक से, तो जो जितने भी सपोर्टर हैं वो अपने लाइक पे ध्यान देना। जो बंदे लाइक नहीं करते, ठीक है, पूरा सीज़न आते नहीं है, सिर्फ ऐड होने के लिए आते, तो आप लोग सिर्फ इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कोड की, कोड क्या है और कहाँ पे होने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ, कोड आपने बायो पे नहीं लगाना है, कोड आपने लगाना है यहाँ, ये जो आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको मुझे आपका कोड मिलने वाला है, ठीक है, जो आपको मेरा लिंक नज़र आ रहा है, ठीक है, यही आपका कोड होगा। आपने इसको अपडेट कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं। तो गाइस कोड अपडेट करने के लिए आपने जाना है सबसे पहले अपने मैसेंजर पे, ठीक है, उसके बाद आपने जाना है जो ऊपर आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, आपने इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है, इसके बाद आपको नीचे इधर नज़र आ रहा होगा यूज़र नेम, तो इस पे आपने क्लिक करके इसको एडिट कर देना है, ठीक है। आप अपना लिंक चेंज करने आपने, इसमें ये एक ये चीज़ हो जाएगा कि जो आप लिंक लगाते हो अपने सेकंड आईडी पे वो आसानी से ओपन होगा, ठीक है। आप अपना लिंक कुछ भी लगा सकते हो, एंड में आपने लगाने PIB जिस तरह मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपने अपना लिंक अपडेट करके PIB साथ में लगा लेना। आप कुछ भी लिंक में कुछ भी लिख सकते हो, एक तो आपका लिंक बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, अच्छा नज़र आएगा दिखने में और छोटा हो जाएगा। आप लोगों को नॉर्मल जो लिंक नज़र आते वो बहुत बड़े होते, आप मेरी किसी आईडी पे जाके चेक करोगे तो छोटे छोटे लिंक नज़र आ रहे होगी, जिस तरह कि इसका आपको नज़र आ रहा होगा, पंगा इज़ बैक 002 PIB, ठीक है। तो आप कुछ भी कोड लगाते हो आपने साथ में PIB ज़रूर लिखना है, ठीक है, ताकि मुझे पता हो आप मेरे ही सपोर्ट। तो यही है आपका कोड इस सीज़न का। गाइस जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी हमारे कटर सपोर्टर है वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए कुछ गिफ्ट है। तो इसमें से 3 किस्म के गिफ्ट है। एक जो गिफ्ट है जिसने भी वीडियो इधर तक देखी है उनके लिए, जो हमारे कटर सपोर्टर है जो हमारे चैनल पर आके सभी वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए एक गिफ्ट है।
उनके लिए क्या गिफ्ट है। गाइस आपके लिए ये गिफ्ट है अगर आप 12 बजे तक ऐड नहीं हो पाते हो, अगर आप रात 12 बजे तक ऐड नहीं हो पाते हो, पहले दिन ऐड होना चाहते हो और आप हमारे कटर सपोर्टर हो, हमारे चैनल पे आके हर वीडियो देखते हो। देखो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, पूरा लंबा स्क्रीनशॉट ले लेने। अभी देखो जो मैं वीडियो नहीं देखता हूँ इस चैनल से, मैं क्यों नहीं देखता हूँ कि मुझे मसला पड़ जाते अपने चैनल से, मैं वीडियो इस वजह से वॉच नहीं करता। तो आपने अगर वीडियो वॉच की होगी, ठीक है, तो उस पर देखो, इस पर कुछ वीडियो पे आपको लाल लाल निशान नज़र आ रहे हैं। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी कुछ वीडियो, तो आपने इस तरह स्क्रीनशॉट लेने हैं, ठीक है, और आपने मुझे मैसेज कर देने। रात को 12 बजे तक अगर आप ऐड नहीं हो पाते हो, अभी तक आपने वीडियो देख ली, आप हमारी सभी वीडियो देखते हो किसी चैनल पे, अगर मेन चैनल पे देखते हो या सेकंड चैनल पे, अगर सेकंड चैनल का मैं बात कर रहा हूँ, अगर सेकंड चैनल पे देखते हो, क्योंकि सेकंड चैनल पे डेली वीडियो अपलोड होती है, आप देख रहे होगे डेली एक दो वीडियो इस पे अपलोड होती है, अगर आप इसमें से देखते हो तो आपने स्क्रीनशॉट लेके उस पे अपना नाम लिख के आपने मुझे मैसेज कर देने। रात को 12 बजे से लेके 1 बजे तक जितने भी बंदे मैसेज करेंगे, जो वीडियो पूरा देखे होंगे, ठीक है, और स्क्रीनशॉट के ऊपर अपना नाम लिखे होंगे, तो आपको रिक्वेस्ट मिल जाएगा। उसी टाइम मैसेज करने है आपने हबीब आईडी के मैसेंजर पे। अगर आप ऐड नहीं भी होगे, आपका मैसेज मुझे आ जाएगा, क्योंकि मैं लाइट फेसबुक से उनका भी मैसेज देखता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो आप अगर ऐड नहीं भी होगे तो आपका मैसेज यहाँ आ जाएगा और मैं आपका मैसेज दे के, आपका स्क्रीनशॉट दे के आपको ऐड कर लूँगा। गाइस जो नंबर 2 पे गिफ्ट है वो उन लोगों के लिए जो हमारे टाइमलाइन पे रेगुलर सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं बॉस मेरा सपोर्ट कैसा है, मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम लो। तो जितने भी हमारे कटर सपोर्टर होंगे हर हफ्ते, उनके लिए मैं वीडियो डालने वाला हूँ, 2-3 मिनट की वीडियो डालने वाला हूँ। सिर्फ उनका नाम लूँगा, उनकी आईडी दिखाऊंगा, ठीक है, अगर उनका इंस्टाग्राम है तो उनका इंस्टाग्राम भी दिखाऊंगा। वो अगली वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल देने वाला हूँ कि क्या सिस्टम करने वाले, पर ये मैं आपको बता दूँ कि हर हफ्ते एक बंदे की वीडियो मैं ज़रूर डालने वाला हूँ, पेज से फेस टू फेस लाइव आके या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपकी वीडियो ज़रूर डालने वाला हूँ, जितने भी हमारे कटर सपोर्टर हैं। तो गाइस जो हमारा तीसरा गिफ्ट है कटर सपोर्टर के लिए वो यूट्यूब चैनल, वो भी मोनेटाइज, यानी कि उसका वाइट टाइम भी कंप्लीट, उसका सब्सक्राइबर भी कंप्लीट, आप वीडियो डालो और पैसे कमाओ। तो इस सीज़न में कुछ ऐसा जहन मेरा बन रहा है कि कुछ लोगों को हम यूट्यूब चैनल भी देने वाले हैं, ठीक है, ठीके? तो दिल से इस सीज़न में आपने सपोर्ट करने, आप अगर कटर सपोर्ट रहे, इधर तक आपने वीडियो देख ली, अगर आप YouTube पे हमें फॉलो करते हो, ठीक है, YouTube पे हमारी वीडियो देखते हो, तो आपके पास बहुत चांस है। अगर आपका YouTube चैनल है उस पर वाइट टाइम कंप्लीट नहीं है, उस पर सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं है, उसमें भी हम आपकी हेल्प करने वाले इस सीज़न में। तो दिल से सपोर्ट करना, सीज़न में ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले, ये साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट है। जो हमारी बेनिफिट होते रिफ्रेश डीपी वो तो होगा ही होगा, ये 3 चीज़ें इस बार एक्स्ट्रा है साथ में। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। तो जिस हमारे सपोर्टर ने यहाँ तक वीडियो देखी, कमेंट्स में अपना नाम लिख के ज़रूर कमेंट्स करना, मैं हर कमेंट्स देखता हूँ यूट्यूब पे, ताकि मुझे भी पता हो कि कौन कौन सपोर्टर है जो हमारा एंड तक वीडियो देखे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।